हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग होंडा सीबी 150R के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडियन मार्केट पर अगर किसी को टक्कर दे सकता है, MT 15 2.0 को कोई टक्कर दे सकता है, तो वो है होंडा सीबी 150R। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी तो आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसकी लॉन्च अभी नहीं हुआ इंडिया में। बहुत ही जल्दी लॉन्च होने जा रही है ये होंडा सीबी 150R। इंडिया में आने के बाद क्या क्या चेंज, क्या क्या अपडेट के साथ आपको ऑफर किया जाएगा, बाइक्स पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, इंजन की पावर कितना होगा, इसकी एक शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है, एंड बाइक पर कितना माइलेज आपको फाइनली मिलने वाला है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। एंड इंडियन मार्केट पे जब ये बाइक लॉन्च होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी बाइक को परचेस किया जाए, MT 15 2.0 को लिया जाए या फिर होंडा सीबी 150R को लिया जाए, क्योंकि एक दूसरे को बहुत ज्यादा टक्कर देने वाली ये दोनों बाइक। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यूज 5 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूंगा, इंडियन मार्केट पे इस वक्त 160cc एंड 200cc का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एंड होंडा के पास ऐसा कोई बाइक नहीं है जो MT 15 2.0 या फिर NS 200, NS 160 जैसे बाइक को टक्कर दे पाए। इसलिए होंडा सीबी 150R को किसी भी फेस्टिव सीजन पे लॉन्च कर सकता है, एंड आप अगर एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो बात करते हैं इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या अपडेट एंड चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अपडेट एंड चेंजेस के बारे में, यानी कि इंजन के बारे में। सो यहां पर आपको 149cc इंजन के साथ 20 bhp पावर एंड 70 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको ऑफर किया जाएगा। सो यहां पर आप लोग नोटिस कर सकते हो, MT 15 2.0 पर 18.4 bhp की पावर आता है, बट यहां पर आपको 20 bhp की पावर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 70 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व की बाइक होगा, जहां पर 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन भी आप लोग नोटिस कर सकते हो। सो MT 15 2.0 पर भी 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन आता है, एंड 4 वाल्व की बाइक है दोस्तों। सो यहां पर सेम टू सेम आपको दिया जाता है, बट MT 15 2.0 से आपको ज्यादा BHP ऑफर किया जाता है, बट इसके इंजन में आपको ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। MT 15 2.0 पर आपको 155cc इंजन प्रोवाइड किया जाता है, यहां पर आपको 149cc इंजन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ओवरऑल लुक्स की अगर बात किया जाए, सो होंडा सीबी 150R पर आपको दोस्तों 110x76 इंच का टायर ऑफर किया जाएगा फ्रंट पर। फ्रंट की जो डिस्प्लेट होगा वो आपको 300mm ऑफर किया जाएगा। बाइक पर आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, सो फ्रंट पर आपको 43mm की UST गोल्डन कलर का सस्पेंशन ऑफर किया जाएगा। रियर पर मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोग नोटिस कर सकते हो। रियर साइड की अगर बात किया जाए, सो 150x66 का ब्रॉड रेडियल टायर आपको ऑफर किया जाएगा, जो MT 15 2.0 पर 156 का टायर नहीं, 146 का टायर आपको ऑफर किया जा रहा है, वहीं पर आपको 150x66 का टायर आपको होंडा सीबी 150R पर ऑफर किया जा रहा है। एंड ये बाइक आता है ड्यूअल चैनल ABS के साथ, यानी कि फ्रंट एंड रियर दोनों पर आपको ABS की ऑप्शन भी दिया जाता है, एंड रियर पर आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म ऑफर किया जाएगा जो MT 15 2.0 पर भी आता है। बात करते हैं टैंक साइज के बारे में, MT 15 2.0 पर आपको दोस्तों 10 लीटर की फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, बट यहां पर आपको 8.5 लीटर की फ्यूल टैंक ऑफर किया जाएगा। मीटर कंसोल के बारे में अगर बात किया जाए, सो दोनों ही बाइक्स पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर्स देखने को मिल सकता है, जो होंडा की ऐप के थ्रू आप चाहो तो फोन को बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फोन पर जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, आप चाहो तो बाइक की जो डिस्प्ले है वो आप पर देख सकते हो। एंड इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच एंड क्विक स्टार्ट दोनों ही फीचर्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं, जो कि आपको MT 15 2.0 पर सिर्फ और सिर्फ स्लीपर क्लच की ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करते हैं दोनों बाइक की हैंडल के बारे में, दोनों ही बाइक आपको सिंगल हैंडल बार प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों ही बाइक पर फ्रंट की जो हेडलैम्प है वो आपको LED प्रोजेक्टर दिया जाता है, बट होंडा सीबी 150R पर आपको LED चारों इंडिकेटर ऑफर किया जाएगा, जो कि आपको MT 15 2.0 पर नहीं मिल सकता है। सो बात करते हैं प्राइस के बारे में, इसके प्राइस क्या होने वाला है। सो इसके प्राइस लगभग आपको 2 लाख तक देना होगा ऑन रोड प्राइस, जो कि MT 15 से थोड़ी सी ज्यादा है, बट आपको यहाँ पर फीचर्स भी तो ज्यादा मिल रहा है, ड्यूल चैनल ABS भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। बात करते हैं माइलेज के बारे में, आपको
यहाँ पर लगभग 45 से 50 तक माइलेज प्रोवाइड किया जाएगा होंडा के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा एंड यहाँ पर लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर आपको 45 से 50 तक माइलेज इजीली मिल सकता है। सो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।